हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती कक्षा पांचवी की हिंदी का पाठ पहला, प्रार्थना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक, क्योंकि आज हम पूरे पाठ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। शब्द प्रार्थना, शब्दार्थ, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर, पूरे आज मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा पाठ आपको लर्न करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप भी बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ, पाठ स्टार्ट करते हैं। प्रार्थना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा सेवक चर बना देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। तो इस पोयम का जो सारांश है वो क्या है कि प्रभु हमें इतनी शक्ति देना कि हमारी आत्मा में मतलब शुद्धता देना कि हम किसके लिए मरे, हमारा कर्म भी सेवा हो और हमारा धर्म भी सेवा हो, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, क्या बोलते हैं कि आंखों में बस जाओ, मतलब प्रभु हमें सभी से मिलजुल कर रहे, हमारा व्यवहार ऐसा बना देना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ स्टार्ट करते हैं परमात्मा। परमात्मा का क्या है? ईश्वर, शुद्धता, पवित्रता, परम ज्योति, दिव्य प्रकाश, सागर, समुद्र, वतन, देश या राष्ट्र, जा फिरदा मतलब प्राणों का निछावर करना, कविता से खोजकर सही जोड़ी, सही जोड़ी, दया कर दान भक्ति का, आत्मा में शुद्धता देना, ज्योति जगा देना, कर्म हो सेवा। चलिए रिक्त स्थान पर, रिक्त स्थान देख लीजिए, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमारा कर्म हो सेवा हमारा धर्म हो सेवा, वतन के वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना। तो क्या आएगा? पहले में शुद्धता, दूसरे में गंगा, तीसरे में सेवा, चौथे में जीना और मरना। अति लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर की तरह, कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? तो हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? कवि वतन के लिए जीना मरना चाहता है। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? तो हमें मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है, हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है, चारों तरफ शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। आत्मा में शुद्धता देने का क्या तात्पर्य? आत्मा में शुद्धता देने का तात्पर्य आत्मा को बुराइयों से मुक्त कराना, आत्मा में रोशनी फैलाना, ताकि हमें अच्छी तरह से जानकारी हो सके कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये हमारा पहला पाठ दया कर दान भक्ति का कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप सभी को समझ में भी आया होगा और पसंद भी आएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन को बजाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू, बाय बाय।